बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वालेकुम आई एम योर टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल स्टूडेंट्स ये आपकी क्लास फोर की उर्दू की किताब है जदीद उर्दू उर्दू क्लास चाह माह माहे जनवरी स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि माह जनवरी स्टार्ट हो चुका है नया साल लग चुका है और जनवरी का महीना स्टार्ट है तो अब हम इन अपनी ये जनवरी का माह जनवरी का काम शुरू कर रहे हैं अल्लाह करे कि ये साल सब लोगों के लिए खुशियां लेकर आए और हर तरह के दुख सबकी ज़िंदगी से दूर हो जाएं और ये जो वबा फैली हुई है इससे भी अल्लाह मियाँ हम सबको निजात दिलाए और स्कूल खुलें ताकि प्रॉपर तरह से बच्चे स्टूडेंट्स सारे स्कूल आएं और हमारे स्कूल की रौनकें बहाल हो सकें तो स्टूडेंट्स घर पे जैसे कि आपको वीडियो वीडियोस मौसूल हो रही हैं तो उसी वीडियोस के थ्रू आप लोग अपना काम जरूर कंप्लीट करते रहें और उम्मीद है मुझे कि आप सब स्टूडेंट्स ने अपनी विंटर वेकेशन को काफ़ी इन्जॉय किया होगा घर में ही रहते हुए और अपना ख्याल भी ज़रूर रखा होगा और अभी भी रखना है अपना भी घर वालों का भी ख्याल तो इन तमाम बातों के साथ ही स्टूडेंट्स तो आज आइए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं तो जनवरी के मंथ में जनवरी के मंथ में आपका सबक दिया गया है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताला तो बेटा आज हम लोग हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा की बुलंद खानी करेंगे और मैं चाहूँगी कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी उर्दू की किताबें खोल लीजिए पेज नंबर है सिक्सटी फाइव पेज नंबर सिक्सटी फ़ाइव बेटा आप तमाम स्टूडेंट्स खोल लीजिए ताकि आप लोगों को रीडिंग करने में और सबक को समझने में कोई भी दिक्कत महसूस ना हो परेशानी ना हो और जैसा जैसा मैं आपको बुलंद खबानी कराती जा रही हूँ आप भी मेरे साथ, साथ बुलंद खानी ज़रूर कीजिए और एक दफ़ा जब मैं बुलंद खानी करवा दूँ ख़त्म कर दूँ अपनी वीडियो तो आप लोग दोबारा से एक दफ़ा ख़ुद से रीड कर लीजिए अपने सबक को ताकि आप लोगों को ये यकीन हो जाए कि आप लोग सही से रीडिंग कर रहे हैं और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे राबता कर सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं तो बेटा उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों ने अपना पेज नंबर खोल लिया होगा बुक्स निकाल ली होंगी ताकि हम सब एक साथ बुलंद खबानी कर सकें चलिए बेटा फिर हम अपनी बुलंद खबानी स्टार्ट करते हैं हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो पेज नंबर है सिक्सटी फाइव उमुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो मक्के में पैदा हुई आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तह और रोमान रजी अल्लाह तह की साहबजादी थी आप बचपन ही से नहायत जहीन थी तारीख और अदब की तालीम उन्होंने अपने वालिद से हासिल की थी फिर नौ उम्री में जो इल्म हासिल करने का बेहतरीन ज़माना होता है उन्हें नबी करीम सल वसल्लम का साथ मयसर आ गया आप रजी अल्ला ताला अन्हा का हुज़रा मस्जिद नबवी के बराबर में था रसूल सल अल्लाम रोज़ाना मस्जिद नबवी में लोगों को जो तालीम देते थे उसकी आवाज हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा को अपने हुजरे में साफ सुनाई देती थी इस तरह दीनी और दुनियावी दोनों कस्म के उलूम आप रजी अल्लाह अन्हा को हासिल हुए क़राम मुश्किल मसाइल में आपसे रहनुमाई हासिल करते थे आलमा होने के साथ तकरीर करने में आप रज्ला तला को माल हासिल था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी ताला और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तह के बाद तकरीर करने में आप ही का नाम आता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हिजरत से तीन साल कबल मक्के ही में हो गया था रुखसती हिजरत के बाद मदीना मुन्वर में हुई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह नबी करीम सल वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत और अकीदत रखती थी इसलिए घर में खादिम होते हुए भी नबी करीम सल वसल्लम का काम आप खुद करती थी स्टूडेंट्स पेज नंबर सिक्सटी फाइव की हमने रीडिंग की पेज नंबर सिक्सटी फाइव मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा मक्के में पैदा हुई आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा और उम्मे रोमान रजी अल्लाह अन्हा की साहबजादी थी साहबजादी यानी कि बेटी थी वो बचपन ही से बहुत जहहीन थी और उन्होंने तारीख़ और अदब की तालीम अपने वालिद साहब से हासिल की थी फिर बचपन ही से उन्हें इल्म हासिल करने का बेहतरीन जो ज़माना होता है जो इल्म हासिल करने का बेहतरीन उम्र होती है उन्हें नबी करीम अलैहि वसल्लम का साथ मैसर आ गया हज़रत आयशा ऱी अल्ला तह का जो हुजरा था वो मस्जिद नबी के बिल्कुल बराबर में था तो रसूल अक्रम सम जब रोज़ाना मस्जिद नबी में लोगों को जो भी तालीम देते थे उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ क्लियर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तह अपने हुजरे में बिल्कुल साफ़ सुनाई देती थी तो जब वो हज़ूर सल अल्लाह वसम तालीम दिया करते थे लोगों को तो हज़रत आयशा अपने हजरे में साफ़ सुनाई दे देती थी उनकी आवाज़ और वो उसको सुना करती थी इस तरह दीनी और दुनियावी दोनों कस्म के लूम आप को हासिल हुए जब वो रोज़ाना हजूर सल्ह वसम की बातें सुनती तो उनको दुनियावी यानी दुनिया से रिलेटेड और दीनी यानी अपने दीन इस्लाम से आ, से रिलेटेड रिलेटूम की बहुत अच्छे तरीके से आगाही मिली सहबक राम मुश्किल मसाइल में आपसे रहनुमाई हासिल करते यानी कि जो सहक्राम थे जब उन्हें कोई मुश्किल पेश आ जाती थी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला दरपेश होता था तो वो क्या करते थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अल्ला वसलम के पास जाया करते थे और उनसे अपने मसाइल के बारे में अपने मसाइल के हल के लिए उनसे पूछते थे कि अब क्या किया जाए अपने मसाइल उनके सामने रखा करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और उनसे उसका हल पूछते थे आलमा होने के साथ तकरीर करने में आपको कमाल हासिल था यानी कि वो जो तकरीर करती थी बहुत ही आला पाए की अच्छी तकरीर करती थीं बकर हज़रत अबू सिद्दीक और हजरत उमर फ़ारूक के बाद तकरीर करने में आपका नाम आता था यानी सबसे अच्छी तकरीर हज़रत अबू सिद्दीक करते थे और उसके बाद हजरत उमर फ़ारूक का नाम के बाद हज़रत आयशा का नाम लिया जाता था तकरीर करने में नबी करीम सल वाल वसलम से उम्रमिन हज़रत आयशा सदी का निका जो था वो हिजरत से तीन साल कबल मक्के में ही हुआ तीन साल कबल कबल का मतलब पहले यानी जब मक्के से हिजरत करने से पहले तीन साल पहले उनका निकाह हजूर सल अला वसलम से हो गया था रुख्सती हिजरत हिजरत के बाद मदीना मुरवरा में हुई हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्ला हजूर अक्रम स बहुत ज्यादा मोहब्बत और अकीदत रखती थी इसीलिए उनके घर में खादिम भी मौजूद था जो कि घर के कामकाज के लिए मौजूद था ज़ मगर फिर भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तन हजूर के काम अपने हाथ से ख़ुद किया करती थी स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पेज नंबर सिक्सटी फ़ाइव की रीडिंग करवा दी है बुलंद ख़्वानी करवा दी है उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सफ़ा समझ आया होगा पेज नंबर और मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है तो बेटा अब हम आगे चलते हैं अपना पेज टर्न कर लीजिए पेज नंबर आप लोग खोल लीजिए तो अब हम पेज नंबर सिक्सटी सिक्स की बुलंद खबानी शुरू करते हैं हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हो के तब्र शुक्र और सादगी का ये हाल था कि आप के पास कपड़ों का एक जोड़ा था उसी को धोकर पहनती रहती थी आप रजी अल्लाह तला के हुजरे की दीवारें मिट्टी की थी और छत खजूर के पत्तों और टहनियों की थी धूप और बारिश से बचने के लिए उसके ऊपर कंबल डाल दिया गया था हुजरे की ऊंचाई इतनी थी के खड़े होकर हाथ छत से लग जाए दरवाजे पर एक कंबल का पर्दा पड़ा रहता था घर का कुल सामान एक चारपाई एक बिस्तर और तकिया एक चटाई आटा और खजूरे रखने के लिए दो मटके पानी का एक घड़ा और पानी पीने का प्याला था घर में महीने भर पकाने को कुछ नहीं होता था सिर्फ खजूरों और पानी पर गुजारा होता आप रजियाल्ला तला अक्सर रोजे रखा करती थी फ़र्श नमाज़ों के अलावा तहजद और चाश्त की नमाज भी पाबंदी से अदा करती थी आप नहायत सखी ख़ात थी जो रकम आती थी खुदा की राह में खैरा कर देती थी एक बार आपके पास सत्तर हजार दरहम आए आपने उनमें से एक दरहम भी अपने पास ना रखा सब राह खुदा में दे दिए आपकी बहादुरी भी काबिल जिक्र है जंग ओहद के मौके पर बड़े बड़े बहादुरों के पांव उखड़ गए लेकिन इस खतरनाक मौके पर आप रजियाल कंधे पर मशकीज़ा लिए लपक लपक कर जख्मियों को पानी पिला रही थी इन्हीं खूबियों की बिना पर नबी अकरम अक्रम वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्ला से मोहब्बत करते थे इंतकाल से कबल जब हज़र पाक सल्ह वसल्लम की तबीयत ज़्यादा नासास हो गई तो नबी करीम सल वसल्लम ने दूसरी अजवाज मतहराज से इजाज़त लेकर हज़रत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ही के हुज़रे में क़याम फरमाया कयाम फरमाया था आप सल्ह वसल् का इंतकाल इसी हजरे में हुआ हजरत आयशा सिद्दीका 58 हिजरी में रमजान के महीने में बीमार पड़ी और इसी बीमारी में सत्रह रमजानुल मुबारक को आप ने इंतकाल फरमाया आपकी नमाज जनाजा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह पढ़ाई और आपकी वसीयत के मुताबिक बकी में आपको दफन किया गया स्टूडेंट्स सफा सिक्सटी फाइव मैंने आपको रीड करवा दिया था और एक्सप्लेन भी कर दिया था और जो पेज नंबर सिक्सटी सिक्स है इसकी हमने बुलंद खानी कर ली है इसको मैं एक्सप्लेन बेटा नेक्स्ट वीडियो में करूंगी और इनशाला काम भी आपको होमवर्क भी दूंगी इस इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा काम दूंगी अल्फाज मायने का और नेक्स्ट वीडियो में इनशाला मैं आपको पेज नंबर सिक्सटी सिक्स की एक्सप्लेनेशन दूंगी और मजीद काम भी दूंगी होमवर्क तो बेटा आपने करना क्या है सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है माह जनवरी का पहले आप मंथ का टाइटल पेज बनाएंगे जैसा कि आपको सबको पता है और उसके बाद आपने टाइटल पेज चैप्टर का बनाना है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा स्टूडेंट्स ये इसके अल्फाज मायने हैं जो कि आपको पेज नंबर सिक्सटी सेवन पे आसानी मिल जाएंगे तो आपने टाइटल पेज के बाद ये अल्फाज मायने करने हैं बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग में पेज के सेंटर में आपने लाइन ड्रॉ करनी है मैं अल्फाज मायने आपको पढ़ देती हूँ मैसर हासिल होना हुजरा मस्जिद के साथ छोटा कमरा खादे मुलाजिम नासास तब ठीक ना होना अजवाज मुताहिरात नबी करीम अलैहि वसल्लम की बीविया स्टूडेंट्स आपने टाइटल पेज बना के ये अल्फ़ाज मायने करने हैं और इन मैं पेज नंबर सिक्सटी सिक्स एक्सप्लेन करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इनशाला फिर हम इसके इस, इस चैप्टर के खाली जगह भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे तो जब तक के लिए बेटा आपने ये काम अपनी कॉपीज़ में बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग में करना है और इस चैप्टर की रीडिंग भी ज़रूर आप लोगों ने करनी है ताकि आपको अच्छी तरह इसको पढ़ना आ जाए और अगर कहीं आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत का सामना होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं शुक्रिया